गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आया हूँ ग्लास हाउस कर्नाटक डाउनग्रे में है, उसको घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो आज जो हम इंजॉय करेंगे वो आपको पूरा इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। ये है ग्लास हाउस का फ्रंट डोर। तो गाइज इधर देखिए सभी लोग एक खींचते हुए यहाँ पे, और ये देखिए सामने, और ये मेरे पीछे जो है वो ग्लास हाउस दिखेगा। ग्लास हाउस के पीछे हमारे विकास भाई भी दिखेंगे, प्रतीक भाई भी दिखेंगे, और इधर साइड में विकास, और इधर साइड में हमारे अनिल भाई और ज्ञानेन भाई सभी हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो करण भाई है, करण भाई बिहार से बिलोंग करते हैं, और शिवम पटेल भाई, और वो भाई भाई आपका नीलेश, हाँ नीलेश भाई भी हैं, सभी लोग हैं, और सभी लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो आज बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है, तो चलिए चलते हैं। So guys, अगर आपको इधर से दिखाएं तो ये देखिए पूरा पूरा जबरदस्त कितना लग रहा है ग्लास हाउस, बहुत ही जबरदस्त है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने से इसको, और यहाँ पे काफ़ी आके सुकून मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही जबरदस्त ये आपको और भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ के कुछ फ्रेंड हैं हमारे जो इस समय अपनी पिक यहाँ पे खिंचाते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टाइल देखिए इन लोगों का, क्या ही जबरदस्त। तो गाइस जब हम चल रहे हैं पार्क के साइड में, और दिखाते हैं आपको पार्क भी कैसा लगता है, आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो सामने से आपको दिखा, प्रतीक भाई आज आप ग्लास हाउस घूमने आए हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, तो आज ग्लास हाउस आए हैं तो कितना कैसा फील हो रहा है आपको आज? भाई गाइस हमारा कल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और एंजॉय करने के लिए आज हम आए हैं ग्लास हाउस घूमने के लिए, और इसके बाद हम लोग फिर घर निकलने वाले हैं 4 तारीख को। तो घर बाद ग्लास हाउस पूरा इंजॉय करेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, जबरदस्त फ्रेंडों के साथ आए हैं। टोटल 15 फ्रेंड आए हैं हमारे आज घूमने के लिए, पूरा ग्रुप आ गया हम लोग का। तो घूमते हैं ग्लास हाउस, फिर मिलते हैं अभी आगे, ठीक है। हमारे ज्ञानेन भाई आ रहे हैं, तो ज्ञानेन भाई आज आप घूमने आए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? घूमने में कैसा फील होगा, बेस्ट का मजा आता है, और क्या एंजॉय करते हैं और क्या। और देखिए हमारे हमारे एक ब्लॉगर और आ रहे हैं, कौन पाल भाई यूट्यूब ब्लॉगर। आपको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हुए दिखाते हैं, और वो लोग देखिए इसमें जुड़।
सामने हमारे विकास भाई और उधर दोस्त दूसरे विकास भाई, यानी कि विकास ये विकास फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, विकास फ्रॉम कोटा राजस्थान, दोनों लोग आए हैं और काफी जबरदस्त इंजॉय। ये देखिए हमारे विकास भाई बहुत तेजी से झूला झुलाते हुए हमको, धक्का दे धक्का दे धक्का दे दे धक्का, अबे तू पीछे हो गया, पीछे हो गया है, थोड़ा इधर आ, थोड़ा इधर आ, दूसरे ओ बस 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 वीडियो हमारे सुनील भाई देखिए जबरदस्त एंजॉय लेते हैं और विकास भाई के साथ में पटेल भाई और ये फिर से आगे सुनील भाई, सचिन भाई आप भी जाओ, जल्दी जाओ, तेजी से जाओ, तेजी से आ जाओ, 20 रुपए वसूल कर ले जल्दी से, और भाई इधर और सभी लोग आते हुए यहाँ पे सुनील अनिल 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 जाओ 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 सभी जाओ सभी जाओ जल्दी से, ओ भाई देख के जल्दी जल्दी स्पीड 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 से स्पीड से, ओ भाई और देखिए सभी लोग फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पे फुल एंजॉय क्या ही है, और सभी बंदे यहाँ पे ए भाई गिरेगा ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानेन भाई भी आते हुए बड़ी तेजी से और ये गिरने वाले हैं, और देखिए हो चुका सबका, देखिए हमारे सुनील भाई अंकित भाई ज्ञानेन भाई और साथ में विकास फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कमजोर हो गया लगता है ये देखिए फुल एंजॉय करते हुए सभी लोग, और देखिए और इधर हमारे करण भाई और इधर हमारे शिवम पटेल भाई दोनों लोग फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और इधर साइड में देखिए सभी लोग हैं, और इसमें चढ़ जा विकास, आजा आजा चढ़ के जल्दी से तेजी से तेजी से, अनिल भाई और विकास भाई दोनों लोग आते हुए जल्दी जल्दी उतरो उतरो यहाँ पे आओ सामने, देखिए फुल एंजॉय घर जाने से पहले सभी लोगों का, और ये हमारे विकास भाई और उधर पीछे जो है करण भाई नीलेश भाई सभी लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं, और देखिए कितने आराम से आते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये लोग ठीक है, और इधर अनिल और सभी लोग फुल एंजॉय करते हुए, अंकित भाई देखिए ओ भाई जबरदस्त, और क्या ही मजा आ रहा है यहाँ पे ग्लास हाउस में आके फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं आज, इधर देखिए हमारे अंकित, और ये देखिए तेजी से आओ यार तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से आओ, और इधर देखिए हाँ, और इधर हमारे पटेल भाई ब्लॉग बना रहे हैं बहुत ही बहुत पटेल भाई पटेल भाई ठीक है फुल एंजॉय, आपको ले चलते हैं हम पार्क में कहीं और अच्छी अच्छी जगहों पे ले चलते हैं ठीक है, और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा जबरदस्त जबरदस्त सीन ठीक है, इस पार्क में आ चुके हैं हम लोग थोड़ा और जबरदस्त सीन दिखाने के लिए आपको, तो कुछ जबरदस्त तो नहीं है लेकिन जो भी है सब ग्लास हाउस ही है, लेकिन हम लोग आए हैं तो हर सीन को जबरदस्त बना देते हैं, क्यों नीलेश भाई हाँ बात तो सही है, जहाँ हम लोग घूमने आते हैं वहाँ जबरदस्त सीन बन जाता है, हाँ हाँ करण भाई सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल, जहाँ हम लोग घूमने आते हैं वहाँ जबरदस्त सीन बन जाता है, तो हम लोग का एंजॉय इस समय जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि इसके बाद सभी लोग 4 तारीख या 5 तारीख में सब लोग घर चले जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कोई किसी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसीलिए लास्ट टाइम हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ का सामने का सीन कुछ ऐसा है, और वैसे जो पहला पार्क हमने दिखाया था वो पार्क जैसा नहीं है, मतलब वैसे ही है बट थोड़ा सा अलग है डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ग्लास हाउस भी उड़ा है, ग्लास हाउस इसकी शोभा काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा देता है, यहाँ पे फैमिली लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, कपल आ सकते हैं घूमने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ सकते हैं घूमने के लिए, तो सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने फ्रेंडों के साथ आए हैं दोस्तों के साथ और काफ़ी इन्जॉय ले रहे हैं यहाँ पे ठीक है, देखिए इधर से काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा होगा आपको, देखिए
बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ के, और देखिए काफ़ी इन्जॉय करने के लिए आए हम लोग, और ज़बरदस्त तरीके से दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ है जो काफ़ी मस्त लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और ज़बरदस्त है। ठीक है, इधर देखिए आप कुछ बंदे हैं जो यहाँ के हैं और घूमने आए हैं, तो भाई लोग आप कहाँ से हों? कन्नड़ में? अच्छा, आप लोग यहाँ से हैं, घूमने आए हैं यहाँ पे पार्क में, तो कैसा लग रहा है आप लोग पार्क में आए हैं? अच्छा, और खूब इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, और ये छोटी बच्ची नहीं बोल रही है, खूब इंजॉय, मज़ा आ रहा है? हाँ, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़बरदस्त सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और देखिए जो भी है सो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सीन है, ज़बरदस्त देखने में मज़ा आ रहा है। और हमारे पटेल भाई एक न्यू ब्लॉगर हैं और ज़बरदस्त ब्लॉग बनाते हैं, इनके इंजॉय ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षित लगते हैं और दिल को बहुत खुश करते हैं। यहाँ पे आके आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं, और क्या ही है, पार्क भी ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त देखने में भी है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास हाउस है, तो ग्लास हाउस की वजह से काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे देखने के लिए। और ये डाउनग्रे का था, हमने कई दिन पहले मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा, तो चलिए आपको मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के और काफ़ी ज़बरदस्त और इन्जॉयमेंट लगता है, तो दोस्तों के साथ भी अभी आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे, अभी वो लोग अपना इधर उधर झूला उला झूल रहे हैं, तो देखिए। और यहाँ का पूरा माहौल जो है वो शांत लग रहा है, शहर से एकदम किनारे पे बना है, दावणगेरे शहर में पड़ता है, कर्नाटका में। अगर आप दावणगेरे कभी आइएगा और यहाँ पे कुछ दिन रुकिएगा तो ज़रूर यहाँ पे आप घूमिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में। और इस समय दोपहर का टाइम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कम पब्लिक आई हुई है, नहीं तो शाम के टाइम में आपको यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक नज़र आती है और ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, सो इधर से भी ग्लास हाउस के आपके नज़ारे थोड़ा अच्छे और सुंदर और काफ़ी आकर्षित लगेंगे, तो चलिए आपको इधर से थोड़ा सा एंट्री मारते हैं ग्लास हाउस में। पटेल भाई, क्या ही, क्या मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा बहुत आया। हाँ, और दोपहर का टाइम लग रहा है, इसमें धूप भी नहीं है, धूप इसलिए यहाँ पे आदमी कुछ कम दिख रहे हैं। हाँ, सो तो गाइस आप इवनिंग टाइम तो नहीं आ सकते हैं, फिर भी ये 5 बजे तक ये बंद हो जाती है। हाँ, सो इसलिए हम लोग धूप में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, तो 4 तारीख को आप घर आ रहे हैं, सो इसी की खुशी के मारे हम लोग एक दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे, एग्जाम खत्म हो गए इसीलिए यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम यहाँ पे हमारे पटेल भाई। ठीक है, तो गाइस चलिए आपको कुछ दिखाते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन है जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त इसके खूबसूरत नज़ारे हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, तो चलिए दिखाते हैं आपको। इस समय दिन के टाइम में चल रहा है ये म्यूजिक टाइप में और काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, रात के टाइम में थोड़ा सा और ज़बरदस्त लगता है, लेकिन दिन के टाइम में तो एकदम खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ठीक है, देखिए जैसे म्यूजिक चलता है वैसे ही यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन चलता है। ठीक है, दिन में आए हैं इसलिए दिखाने के लिए, तो चलिए ले चलते हैं आपको। और ये देखिए, आपको जैसे म्यूजिक चलेगा वैसे ही ये भी चलेगा, और रात के टाइम में भी ज़बरदस्त लगता है, लेकिन दिन के टाइम में तो भैया मस्ती है। और इधर देखिए पब्लिक भी आई है घूमने के लिए यहाँ पे, और ये देखिए बच्ची दोबारा दिखाई पड़ रही है, देखिए दोनों लोग भी ज़बरदस्त वीडियो लगाते हुए यहाँ पे। और सामने आपको भी नज़ारे दिखेंगे इधर, और सामने आपको ग्लास हाउस, और ये हमारे बंदे हैं जो थक गए हैं बेचारे जा के। ठीक है, और देखिए तो ये है पूरा नज़ारा यहाँ का जो था, और इधर से आपको ग्लास हाउस दिखेगा, और हमने घूम लिया ग्लास हाउस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से,
और मज़ा भी आया, आनंद भी आया, सभी के साथ इंजॉय भी किया। सो बहुत ही ज़बरदस्त था गाइस, हमने फुल्ली इंजॉय किया और फुल्ली मस्ती की। तो ज्ञानेन भाई, क्या मस्ती हो गई अपनी? फुल मस्ती हो गई सर, फुल मस्ती खत्म। सुनील भाई, फुल मस्ती खत्म। और पटेल भाई, ठीक है? तो गाइस चलिए मिलते हैं, ठीक है? गाइस हमने ग्लास हाउस अपने बंदों के साथ फुल्ली इंजॉय किया और बहुत ही मजा आया ग्लास हाउस घूमने से, और आपको भी दिखाया। सो यहाँ का पार्क, यहाँ का फाउंटेन था और दोस्तों की मस्ती थी, उनका पिक था। सो बहुत ही ज़बरदस्त था। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।